नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी का न्यूज काफी टॉप पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है बहुजन समाज पार्टी की खबर सुनने के लिए, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देती है। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पास मेल आ रहे हैं। जो पुराने बसपाई थे, जो नए बसपा कार्यकर्ता हैं और जो बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, वो सब के सब हमें मेल करते हैं, सवाल करते हैं। अगर कुछ कमी है दल में, समस्या है, वह भी वो बताते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि आप कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, ऐसे आइडेंटिफाइड है कि ये बहुजन समाज का है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को तरजीह देती है, लेकिन बहन मायावती जी कहती हैं सर्व समाज को हम लेके चलते हैं, हम जातिवादी नहीं हैं, हम सभी को देखते हैं। परंतु एक प्रश्न है, लोगों ने किया है, और बहन मायावती जी के शीर्ष नेता जो उनके इर्द गिर्द हैं, उनको इस बात को समझना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, बहन मायावती जी कहती हैं सर्व समाज, लेकिन प्रश्न जो किया है लोगों ने कि उनके कोऑर्डिनेटर में कितने ब्राह्मण और कितने ठाकुर हैं, ये भी बता दें। सतीश मिश्रा पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण को आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि नंद वंश मगध नहीं हो सकता। आपके सामने सवाल किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने कि सतीश मिश्रा का मतलब यह नहीं कि पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आपके साथ है। आप उसको ज़्यादा ध्यान से रखिए, और जो भी लोग वो टिकट आप देते हैं वो कठपुतली ना हो ठाकुरों में और ब्राह्मणों में, क्योंकि केवल जाति देखकर टिकट देना कोई बहादुरी नहीं है। आप यह भी देखिए कि ब्राह्मण समाज से वो वोट भी लाता है कि नहीं, ठाकुर समाज से वो वोट भी लाता है कि नहीं। अगर आप ब्राह्मण के ही बड़े नेता को, ठाकुर के ही बड़े नेता को या जिम्मेदारी दें कि वोट लेके आइए, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो वोट पा सके, वोट ला सके, क्योंकि जितने भी स्कॉलर हैं बहुजन समाज के लोग, सब कहते हैं कि 85% बहुजन है, इसमें जातियां बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको बताता हूँ, सवर्ण समाज यानी सर्व समाज में भी जातियां बहुत ज़्यादा है। ब्राह्मण कहने से जान नहीं छुटती, ब्राह्मण में आपको ये देखना होगा वत्स गोत्री है, भारद्वाज है, सांडिल है या काश्यप है। आप किसको टिकट दे रहे हैं, किसका बहुमत है? केवल ब्राह्मण कह के बहुमत आप नहीं ले सकते। अगर आप ठाकुर को टिकट देते हैं तो भदौरिया को दे रहे हैं या चौहान को दे रहे हैं, वहाँ पर जनसंख्या किसकी है? अगर गाजीपुर से, सर्व समाज से आपको वोट चाहिए तो गाजीपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का है, आपके ही पार्टी के उमा शंकर सिंह जी हैं, क्या उनसे आप बाउंड करेंगे कि उमा शंकर जी सर्व समाज से वोट चाहिए? आप बताइए किसको टिकट दें सर्व समाज में, क्योंकि गाजीपुर जिला में जो गाजीपुर लोकसभा है, 7 विधानसभा है उसमें, जिसमें 2 रिजर्व है और 5 जनरल का है, तो क्या ठाकुरों को और ब्राह्मणों को आप सम्मानित करेंगे या केवल भाषणों में सर्व समाज कह रहे हैं? यह प्रश्न है आम जनता का। दूसरे दल के जो आम जनता है, जो दूसरे दल को वोट करती है, जो आपको वोट करती है, जो न्यूट्रल है, सबके सब हमें मेल भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका सर्वे रिपोर्ट फैक्ट है, सच्ची है, और हम सवाल करते हैं और हम जुड़ना चाहते हैं बसपा से। जिन भाइयों ने मेल किया, जो लोग कह रहे हैं हम बसपा से जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का भी न्यूज लेकर आ जाऊंगा, कभी मैं कांग्रेस का भी लेकर आ जाऊंगा, हूँ मैं बसपा कार्यकर्ता नहीं। उसके लिए आपको लखनऊ या दिल्ली जो है संपर्क करना होगा, बसपा नेताओं से संपर्क करना होगा, जो समाज में सच्ची खबरें हैं, जो लोग सवाल करते हैं, वो सवाल हम लेकर आ जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि बसपा के लिए ये इतने सवाल उठाए गए, सर्व समाज ये कह रही है, उनका आरोप है कि जो इनके कोऑर्डिनेटर होते हैं वो सब के सब एससी एसटी के होते हैं, और ब्राह्मण और ठाकुरों में जो कठपुतली नेता हैं
उनको इशारे पे कोऑर्डिनेटर ये कहते हैं कि टिकट हम उसी को देंगे जो हमारे इशारे पे घूमे। कोऑर्डिनेटर के इशारे पे नेता तो घूम लेगा, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए जिसके इशारे पे आम जनता वोट करे, पूरा क्षेत्र उसके इशारे पर घूमे। अगर नेता के इशारे पे आम जनता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो चुनाव हार जाएंगे और ये सर्व समाज का जो माला जाप है ये चलता रहेगा। अगर आपको 2022 में ब्राह्मणों का भी वोट चाहिए, ठाकुरों का भी वोट चाहिए, उस समाज में जो इफेक्टिव लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्हें सम्मानित कीजिए, अपने कोऑर्डिनेटर से पूछिए, अथवा दो चार ठाकुर ब्राह्मण को कोऑर्डिनेटर रख लीजिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए कि आपको इस समाज से वोट लाना है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप लिखत में हमें दीजिए पार्टी को, क्योंकि आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं जो उनके चहेते होते हैं। बहुत सारे बसपा कार्यकर्ता ने तो यह भी कह दिया, सुनकर आपको भी हंसी आएगी, हम बहुत सारा काम करते हैं बसपा में, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और बहन जी के नज़र में आना चाहते हैं। ये कोऑर्डिनेटर हमको नज़र में आने ही नहीं देता, कोऑर्डिनेटर को खतरा रहता है कि अगर ये कार्यकर्ता बहन जी के नज़र में आ जाएगा तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ये हमारी जो बैरियर है बीच का कोऑर्डिनेटर, यही हमें परेशान किए हुए है, इसलिए लोग बहन जी से संपर्क करना चाहते हैं। हमारा काम है पत्रकारिता, किसी पार्टी को गाइड करना हमारा काम नहीं है। हम न्यूज़ सुनाते हैं, हम बहन जी के लिए और आपकी बात सबको सुनाते हैं, जो बहन जी बोलती हैं वह भी सुनाते हैं, जो आप बोलते हैं आपसे वादा करते हैं। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, कुछ कहना चाहते हैं, हम आपके इलाके में भी आएंगे, आप अपने वीडियो मेरे पास भेज भी सकते हैं, उसको प्रमुखता से अपने न्यूज कार्यक्रम में शामिल करके आपकी आवाज़ आपके काम को वो देख लें और आपको सम्मानित करें। यही आपकी परेशानी है कि बहन जी के नज़रों में हम आना चाहते हैं, हम आपको ला देंगे, ये आपका आपको मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूज चैनल का यही काम है छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करना। हम आपका जो भी छुपा हुआ प्रतिभा है, चाहे आप राजनीति में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, हम उसको कैच करते हैं और उसको सही स्थान पर पहुंचा देते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की ये इच्छा है कि मेरी हर आवाज़ बहन मायावती जी तक पहुंचे, तो ये भी हम काम कर देंगे, पुल का काम करेंगे। आप कुछ भी अपना दिखाना चाहते हैं, अपना भाषण देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल पर आप मेल कर दीजिए। अगर आपका कोई वीडियो हमारे मेल पे आ जाता है, उसको हम प्रमुखता से उठाते हैं और बसपा हाईकमान अथवा किसी भी दल से हैं वहाँ के हाईकमान तक हम भेजने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, हम आपकी बातों को आपके हाईकमान तक पहुँचा सकते हैं। और जो हमारा सर्वे रिपोर्ट है, हम किसी दल के पिछलग्गू नहीं है, ना कोई हमें कुछ देता है, हम साफ साफ बोलते हैं, जिस आवाज़ में जनता बोलती है उसी आवाज़ में हम प्रस्तुत कर देते हैं। बिल्कुल ये जो भाषा है ये आपकी भाषा है, मेरी अपनी भाषा नहीं होती। जब हम सर्वे करते हैं, लोग बहुत तरह के सवाल करते हैं और उन सवालों को रखना मेरा एक पत्रकारिता धर्म है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।